अरिथमेटिक मीन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहली बात है दो अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी तीन नंबर जो है वो एपी के अंदर है, लेट कर लो ए बी सी, ये तीन नंबर जो है ना ये एक एपी के अंदर है, कोई भी बना सकते हो आप 135, 147 या 2814, ये भी एपी के अंदर है, कोई भी तीन नंबर आप एपी के अंदर लेट कर लो। तो अगर कोई भी तीन नंबर एपी के अंदर है तो जो दरमियान वाला नंबर है ना वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा उनका। ये वही अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका जैसे बचपन में आप एवरेज निकालते थे, ये वही काम है कि अगर इन दो टर्म के आपने ए और सी के अरिथमेटिक मीन निकाल लिए तो आप एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते थे, दोनों का ऐड करो डिवाइड बाय टू, तो वही आप काम करोगे। लेकिन सबसे पहली बात मैंने क्या बताई है कि अगर तीन टर्म जो है वो एपी के अंदर है तो दरमियान वाले टर्म क्या होगी, उनकी मीन होगी, जिसको आप अरिथमेटिक मीन कहते हो। और फॉर्मूला क्या होगा बी का, बी का फॉर्मूला होगा कि बी बराबर होगा ए प्लस सी डिवाइड बाय टू, मतलब बाकी दो टर्म को आप ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। सर आपने हमें म्यूट करा नहीं यार, मैंने क्यों म्यूट किया हो तुम्हें, एक सेकेंड, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें म्यूट से हटाऊं, लेकिन मैंने कोई म्यूट नहीं किया, मैं क्यों म्यूट करूंगा तुम्हें, तुम देख लो कोई मसला वसला कुछ हुआ हो, लेकिन मैंने म्यूट नहीं किया। हाँ मैं उन स्टूडेंट को म्यूट करता हूँ जिनके माइक्रोफोन ऑन होते हैं, बीच में ऑन होते हैं वो बंद नहीं कर रहे तो मैं म्यूट कर रहा होता हूँ। लेकिन मुझे नहीं ऐसा कोई फीचर पता कि अगर मैंने म्यूट कर दिया दोबारा आप ऑन नहीं कर सकते, पता नहीं, लेकिन तुम्हें मैंने म्यूट नहीं किया अभी तक। अच्छा तो क्या मैंने बात बताई कि अगर तीन टर्म एपी के अंदर है तो दरमियान वाले टर्म उनकी मीन होगी और उसका फॉर्मूला क्या होगा कि बाकी दो टर्म को आप ऐड करो डिवाइडेड बाय टू करो तो आपके पास उनकी मीन आ जाएगी। ये है जब तीन टर्म का आप जिक्र करते हो। अगर तीन टर्म के अलावा ज्यादा टर्म एपी के अंदर है, जैसे कंसीडर कर लो, एक तो डेफिनेशन ये थी, अब दूसरी डेफिनेशन लेट कर लो ये वाली है ए बी सी डी ई, ज्यादा टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर पांच टर्म जो है वो एपी के अंदर है तो फिर आप ये बोलते हो कि जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग टर्म है उनके दरमियान जितनी टर्म है उन सबको आप एम्स बोलते हो, मतलब ज्यादा अरिथमेटिक मीन है ना तो एस लगा दिए ना। तो जब तीन टर्म हो तो दरमियान वाले टर्म अरिथमेटिक मीन होती है, और जब ज्यादा टर्म हो, तीन से ज्यादा टर्म एपी के अंदर हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ के दरमियान वाले जितनी टर्म होती है उनको आप अरिथमेटिक मीन बोलते हो। अब इनको निकालने का तरीका क्या होता है वो जरा मैं फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ। इसको निकालने का तरीका तो आपने देख लिया था, सिंपल आप एवरेज ले रहे होते हो, इनको किस तरीके से निकालोगे वो मेथड आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट दो किस्म के मैंने बता दिए, ज्यादा नंबर एपी के अंदर हो तो दरमियान वाले सब नंबर मीन कहलाते हैं, और तीन नंबर एपी के अंदर हो तो दरमियान वाला नंबर मीन कहला रहा होता है। अब इन वाले नंबर को आपने निकालना कैसे इसको जरा देख लो, इसका मैं आप लोगों को सवाल करवा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल पहले वाले फॉर्मूले करवा देता हूँ, ये वाला सवाल इस तरह आ रहा होता है कि लिखा होगा कि फाइंड करो अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8, 5 और 8 के दरमियान, दरमियान का मतलब वही होता है ना कि अरिथमेटिक मीन दरमियान में होती है, तो इस तरह भी वो आपसे बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन मालूम करो बिटवीन 5 and 8, दो नंबर के दरमियान आपको जस्ट एक अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, एक अरिथमेटिक मीन मालूम करने का फॉर्मूला होगा कि आप इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो, तो 13/2 जो है ये इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन है। और ये देखने में भी आपको लग रहा है, आप एक सीक्वेंस बनाओ 5, 13/2 क्या होता है 6.5, 8, तो आपको देखने में लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे 1.5 के बराबर है। बाय द वे ये जो है ये इन दो नंबर की कॉन्सेप्ट होता है, आप ऐड करते हो डिवाइड बाय टू करते हो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाती है। अब एक और किस्म का सवाल है जो इससे रिलेटेड है, उसको भी जरा देख लो किस तरह सॉल्व कर। कोई सवाल है किस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में जी सर। तो इसके अलावा किस तरह होगा, हो सकता है तरीका, मुझे नहीं पता किस तरह होगा।
हाँ मुझे पता तुम क्या करना चाह रहे हो, खुद तो दिमाग में भी तुम एवरेज ही निकाल रहे हो कि 5 और 8 को हम एवरेज करेंगे तो वो दरमियान में 6.5 आ जाएगा। तो वही काम फॉर्मूले के जरिए से किया हुआ है। अगर नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव आ गया या फ्रैक्शन में आ गया, जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि 1/4, 1/5 इनके दरमियान एथमेटिक मीन निकालो, अब तुम फंस जाओगे। तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे तो मतलब आसानी हो जाएगी। अच्छा तो हाँ, कहाँ पे था कि अब इन्होंने बोला है इंसर्ट 5 AMs। पहले जो एग्जांपल दी थी वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड थी कि आप दो नंबर के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो। अब एग्जांपल ये है कि आपको एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन निकालनी है, जैसे आपको 5 अरिथमेटिक मीन निकालनी है बिटवीन 3 और 15। 3 और 15 के दरमियान आपको टोटल 5 अरिथमेटिक मीन निकालनी है। अगेन ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि 5, 7, 9, 11, 13 हाँ, इसमें जो 5 अरिथमेटिक मीन है वो ये वाली होंगी 5, 7, 9, 11, 13। स्टार्टिंग का नंबर 3 है, एंडिंग नंबर 15 है, तो ये पूरी एक एपी बन रही है। तो अब ये ना बोलना कि सर ये तो वैसे हम निकाल रहे हैं, आपको इतना मुश्किल तरीका बता रहे हैं। असल बात ये होती है कि वैल्यूज काफ़ी ईजी हैं, अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दूँ आप नहीं निकाल पाओगे। तो असल कॉन्सेप्ट जो है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आप क्या यूज़ करोगे, क्या अप्रोच होगी आपकी। जब आपको एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन निकालनी हो तो आपने एक चीज निकालनी है और वाहिद वही निकालनी है, आपको कोई और चीजें निकालनी होगी। ये वाले कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूले में याद रखना कि ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है टोटल, ये नंबर ऑफ AMs है कि आपने कितनी AMs इंसर्ट करनी है। इधर n का मतलब ओवरऑल सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म नहीं है, इधर n का मतलब है कि कितनी AM इंसर्ट करनी है। जैसे यहां पे आपको कितनी करनी है, 5 करनी है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ऊपर ये जो पहला नंबर है इसको हम a से लिख रहे होते हैं और जो एंडिंग का नंबर था इसको हम b से लिख रहे होते हैं। तो करो सॉल्व, 15 - 3/n, यहां पे 5 है, 5 + 1 क्या होता है, 6। तो 12/6 क्या होता है, 2 के बराबर। तो d आ जाएगा यहां पे 2 के बराबर। अब आप अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, सबसे पहली अरिथमेटिक मीन कैपिटल A1 से शो करते हैं पहली अरिथमेटिक मीन को। तो देखो पहली अरिथमेटिक मीन कैसे आएगी, अगर आप गौर करो, ये पहली अरिथमेटिक मीन है ना इस फॉर्मूले में, तो ये कैसे आएगी कि आप पहली वाली टर्म के अंदर ना कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। एपी के अंदर यही कॉन्सेप्ट था कि ये वाली टर्म कैसे आएगी, जो पुरानी वाली टर्म है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ठीक है। तो वही मैं काम करूंगा, ये वाली एम कैसे आएगी, जो पहली टर्म थी 3, इसके अंदर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास पहली अरिथमेटिक मीन आ गई। अब जो इसके बाद वाली अरिथमेटिक मीन होगी A2, वो कैसे आएगी, जैसे यहां पे C है, C जो है वो दूसरी AM है, तो ये कैसे आएगा कि जो इससे पहले वाली AM थी ना उसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। वही काम करो, पहली वाली क्या आई है 5, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करो 2, तो ये दूसरी आ जाएगी। फिर तीसरी कैसे निकालोगे, जो दूसरी आई है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 9, इसी तरह A4, इसी तरह A5 आप निकालोगे 11, 13 आ जाएगी। तो ये आपके पास टोटल 5 अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। भाई ये दो ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको आगे तो इसी टाइप के सवाल आते हैं, आपको मसला नहीं होगा। इंसर्ट 5 AMs का मतलब ये होता है कि जैसे दो नंबर है ना 3 और 15, ये समझ लो कि इनके दरमियान आपने 5 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जो एपी बना रहे हो, इसको इस तरह समझ लो। क्योंकि अगर आपको याद हो कि दो नंबर्स के दरमियान जितने नंबर्स होते हैं सबको आप अरिथमेटिक मीन कहते हो और वो ओवरऑल एपी बना रहे होते हैं ना पूरा, तो यही काम यहाँ पे होगा। जो 5 अरिथमेटिक मीन आप निकाल रहे हो, जो 5 नंबर्स हैं वो जब आप इनके दरमियान पुट करोगे तो पूरी आपके पास एक एपी बन रही होगी, और आपने वो ऑब्जर्व भी कर लिया, पहली 5 आई है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, जरा देखो ये पूरी एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि ये 5 AM का मतलब क्या है। बाकी जो बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी मैंने MCQs में देखा, उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व कर लेना, कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं ये। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो। क्या हुआ, 6.3 मैंने शुरू में बताया था, 6.1 सीक्वेंस, 6.2 सीरीज,
6.3 मीन के लिए है। मैं तरतीब से लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये दो बातें याद रखना, दोनों की एग्जांपल दे दी है और बाकी कुछ, क्योंकि देखो एनईटी में ना कितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जो बकायदा बुक के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, एटलीस्ट पास पेपर में लिखा हुआ है। अब एग्जैक्ट एनईटी में वही आते होंगे जब पास पेपर में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल पास पेपर नहीं होते, एक्चुअल पास पेपर तो खैर किसी भी यूनिवर्सिटी के नहीं होते, ये बोर्ड का सेशन नहीं होता कि जो पेपर आया वो आपको उठा के दे देंगे। ये जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे आप लोग देकर आओगे तो बच्चों को याद होगा यार ये एमसीक्यू आया था, ये आया था, तो वो उन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो इसमें आपको कितने सवाल मिल जाएंगे जो बकायदा बुक के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर होता है, कोई मसला नहीं है कैलकुलेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसको सॉल्व कर लो। तो जो बुक के क्वेश्चन है वो भी आप याद कर लेना, जो ऐसे है कि जो एक पेज के अंदर सॉल्व हो जाते हैं उनको आप देख लेना। साथ साथ मैं बताता भी जाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया पता नहीं 2 और 3 जो मैंने बताया था कि उसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है मीन के अंदर, वो कॉन्सेप्ट ये होता है और वो ज्योमेट्रिक, अच्छा ये मीन का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक एपी से है। इसी तरह जीपी में भी ये कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट शायद आपको याद आ जाए। वो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी 3 नंबर आपने एपी में लेट करने हैं, अगर कोई भी 4 नंबर आपने एपी के अंदर लेट करने हैं, या कोई भी 5 नंबर एपी के अंदर लेट करने हैं, तो प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि कितनी दफा आपको सवाल में, जैसे 6.3 में एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, इन तीनों क्वेश्चन में देखो आपको बोला हुआ है फाइंड द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स मालूम करो, और कंडीशन क्या होती है कि 3 नंबर्स का सम ये है, प्रोडक्ट ये है, या डिफरेंट कंडीशन होती है। 8 में लिखा हुआ है सम ऑफ 4 टर्म्स, मतलब 4 नंबर्स। 9 में लिखा हुआ है सम ऑफ 4 नंबर्स, अगेन 4 नंबर्स है। तो जब आपको कंडीशन दी जाती है ना कि इन 4 नंबर का सम फला नंबर के बराबर है, तो वो 4 नंबर लेट तो करने पड़ेंगे ना आपको, सवाल में थोड़ी ना कि आप उनको लेट करोगे उसके बाद एंड पे उनकी वैल्यूज मालूम करोगे। तो जो लेट करने का प्रोसेस है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी कंडीशन किस तरह इस्तेमाल करनी है वो आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो एमसीक्यूज के लिए फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। असल चीज है कि 3 नंबर लेट कैसे करोगे उसको देख लो। तो जब देखो आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म लेट करने होते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म मतलब 3 नंबर्स आपको कंसीडर करने हैं एपी के अंदर, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप दरमियान में लिखते हो ए, इसके साथ लिखते हो ए प्लस डी, इसके पीछे लिखते हो ए माइनस डी। तो गौर करो ये 3 नंबर जो है ये एपी के अंदर है, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर आ रहा है। अब आप लोगों का सवाल होगा सर मैंने यही क्यों लेट किए हैं, मैं ये भी तो लेट कर सकता था ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। लेकिन मसला है कि अगर आपने ये 3 लेट कर लिए ना आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएंगे। जैसे कंसीडर करो 7 में उन्होंने बोला हुआ था कि सम 3 नंबर्स का 15 है, जब इसमें आप इन 3 नंबर्स को ऐड करोगे ना तो उस इक्वेशन में ए भी होगा उस इक्वेशन में डी भी होगा, कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही। लेकिन जब आप इन 3 नंबर्स को ऐड करोगे तो स्ट्रेट अवे आपको नजर आ रहा है कि डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ये वाले नंबर आपको कैलकुलेशन में काफी आसानी देते हैं। That's why अगर आप इस फॉर्म में लेट करोगे आपका आंसर बहुत जल्दी आसानी से आ जाएगा, तभी मैं पूरा ये मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सवाल आ सकता था, मैंने पहले क्लियर कर दिया। तो जब भी कोई 3 नंबर आपने लेट करने होंगे तो आप स्टार्ट करोगे ए से, इधर जाओगे किधर जाओगे, कंसीडर कर लो आपको 5 नंबर लेट करने हैं, 5 भी ऑड नंबर है, कॉन्सेप्ट वही है। आप ए लिखना, इधर लिखना ए प्लस डी, इधर लिखना ए माइनस डी, ये 3 नंबर हो गए, इधर लिखना a प्लस 2d, इधर लिखना a माइनस 2d, तो ये 5 नंबर ap के अंदर है। MCQs में ज्यादातर 5 नंबर का नहीं आता, वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको वही बताया है जो यहां से आपने देखा था कि स्टार्ट आप ऐसे करते हो और फिर इस तरह जा रहे होते हो। और लेट कर लो अगर कोई इवन नंबर्स आपको लेट करने हैं, जैसे n इक्वल टू 4, कोई भी 4 नंबर आपको लेट करने हैं, या 2 से चलो स्टार्ट कर लेते, 2 तो खैर बहुत ईजी हो जाएगा, मैं 4 का बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप जैसे यहां पे आप ए से स्टार्ट करते थे ना, यहां पे आप स्टार्ट करोगे ए माइनस डी और ए प्लस डी से। क्या मैंने बात बोली है? अच्छा, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होगा, मैटर नहीं करता भाई, हमें वो नंबर्स ऐड करने हैं जो हमारी कैलकुलेशन में आसानी दे, उसमें डिफरेंस क्या है ये हमें मैटर नहीं करता। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म ऐड करोगे तो आप ए माइनस डी ए प्लस डी लिखना, ठीक है। उसके बाद दो दो के डिफरेंस से आप जाओगे, इधर लिखोगे a प्लस 3d, इधर लिखोगे a माइनस 3d। अब मैं इसको डायरेक्टली आपको बता सकता था लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया।
अगर इस कॉन्सेप्ट के तहत आपको 6 भी बोल दिया जाए ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। स्टार्ट आप इन दो से करोगे, इधर लिखोगे a प्लस 3d, इधर लिखोगे a माइनस 3d, फिर इधर लिखोगे a प्लस 5d, इधर लिखोगे a माइनस 5d और 6 नंबर आपके AP के अंदर आ जाएंगे। तो ऑड का भी बता दिया, इवन का भी बता दिया, ये टॉपिक आखिरी था मीन से रिलेटेड।